हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पेरी हेलियन और एपी हेलियन टॉपिक को ये आप सभी का क्लास सिक्स का सोशल साइंस का लेसन नंबर थ्री में दिया गया है पेरी का मतलब होता है नियर और हिलोस का मतलब होता है शान जब शान और आर्थ के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होता है लगभग वन फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन किलोमीटर होता है उसको कहा जाता है पेरी हेलियन तीन जनवरी को ऐसा होता है हर साल के अंदर नेक्स्ट हम लोग एपी हेलियन को डिस्कस करेंगे एपी का मतलब होता है अवे फ्रॉम और हिलोस का मतलब होता है शान जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है वन फिफ्टी टू मिलियन किलोमीटर होता है उसको कहा जाता है एपी ऐसा चार जुलाई को हर साल के अंदर होता है द रेबुलेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ रेबुलेशन कॉज चेंज इन सीजन रेबुलेशन के कारण सीजन का भी चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी टेम्परेचर प्रेशर और ह्यूमिडिटी के बेस करके अर्थ का जो है क्लाइमेट को चार सीजन के अंदर डिवाइड किया गया है स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर आइए इसके बारे में और भी डिटेल में जानते हैं फिगर सिक्स के अंदर शान का चारों तरफ पृथ्वी मोब कर रहा है इसका अलग अलग पोजिशन भी दिया गया है पोजिशन वन टू थ्री फोर करके दिया गया है जैसे कि ट्वेंटी वन मार्च ट्वेंटी वन जून ट्वेंटी थ्री सितम्बर ट्वेंटी टू दिसंबर और इसके बीच के अंदर जो गैपिंग है तीन महीना का गैपिंग है पोइसन टू और फोर को कहा जाता है सोलिस्टिक पोशन टू में ट्वेंटी वन जून और पोइसन फोर के अंदर ट्वेंटी टू दिसंबर इसको कहा जाता है सोलेस्टिक ए सोलिस्टिक इज द डे वैन द मिड नाइट सान शाइन भार्टिकली ओवर हेड एट वन ऑफ द ट्रॉपिक्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन यानी इस समय सन जो है भार्टिकली साइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच के अंदर ड्यूरेशन ऑफ द डे इज लॉन्गेस्ट इन डेट हेमोस्फेयर और इस समय जो डे का ड्यूरेशन होता है सबसे क्या होता है लॉन्गेस्ट होता है पोइसन वन और थ्री पोइसन वन के अंदर ट्वेंटी वन मार्क्स दिया गया है और पोशन थ्री के अंदर ट्वेंटी थ्री मार्क्स दिया गया है इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स एंड इक्विनॉक्स इज द डे वैन द मिड नाइट सन साइन भार्टिकली ओवर हेड एट द इक्वेटर इसके अंदर सन जो है भार्टिकली साइन करता है ओवर हेड द इक्वेटर एंड द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज ऑफ इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड और इसके समय जो है डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वल होता है द वर्ल्ड इकोनॉक्स स्टैंड फॉर इक्वल नाइट इक्वनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पोजीशन टू को कहा जाता है द वर्ड इकोनॉक्स एस्टैंड फॉर इक्वल नाइट इक्वनक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पोजीशन टू ट्वेंटी वन जून को जो होता है उसको कहा जाता है समर सोलिस्टिक पोजीशन फोर को कहा जाता है विंटर सोलस्टिक पोइसन वन ट्वेंटी वन मार्च को उसको कहा जाता है स्प्रिंग स्प्रिंग इकोनॉक्स पोशन थ्री ट्वेंटी थ्री सितंबर को होता है उसको कहा जाता है अटमल इकोनॉक्स द प्राइम इफेक्ट ऑफ रिवोलेशन इज चेंज ऑफ सीजन रिवोलेशन के कारण सीजन के अंदर चेंज होता है ड्यू टू द चेंजेस ऑफ सीजन और फूड ड्रेसेस हैबिट ऑल्सो चेंजेस एलॉन्ग विद द चेंज इन वेजिटेशन द ट्रेडिशनल फेयर एंड फेस्टिवल आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ सीजन यानी फेयर हो फेस्टिवल हो या फिर फूड हो ड्रेस हो ये भी जो है सीजन के साथ चेंज होता है तो ये सब था इस टॉपिक के बारे में इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को, को डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहला है एट व्हाट डिग्री एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ इंक्लाइन तो अर्थ का जो एंगल होता है एक्सिस का कितना डिग्री इंक्लाइन करता है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री तो सही आंसर होगा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर हाउ डज हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कम्प्लीट वन रिवोलुशन अराउंड द सन वन रिवोल्यूशन करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है थ्री सिक्सटी फाइव डेज और सिक्स आवर्स यानी बोल सकते हैं थ्री सिक्सटी फाइव वन बाई टू डेज लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्कल ऑफ एलिमिनेशन सर्कल ऑफ एलिमिनेशन किसको कहा जाता है द सर्कल ऑफ एलिमिनेशन इज एन इमेजिनेड लाइन व्हिच सेपरेट द लाइटेड पार्ट ऑफ द आर्ट फ्रॉम डार्कर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डेट ऑफ द आर्ट सन रे फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर तो ऐसा कब होता है ट्वेंटी वन मार्च को और ट्वेंटी थ्री सितंबर को इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को टिक मार्क बताना है कौन सा यहाँ पे सही है नेम द मोशन ऑफ द आर्ट रिवॉल्व अराउंड द सन यानी उस मोशन को क्या कहा जाता है जब शान जो है रिवोल्व कर, करता है पृथ्वी का चारों ओर उसको कहा जाता है रिवोल्यूशन तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छ डेट सान रे फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर ऐसा कब होता है ट्वेंटी वन मार्च को और ट्वेंटी थ्री सितंबर को तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजेस ऑफ सीजन ऑकर ऑन द आर डी टू चेंज जो है सीजन के अंदर क्यों होता है रिवोल्यूशन के कारण तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनली पियर टोटल नंबर ऑफ डेज लिप ईयर में टोटल डेज कितना है होता है थ्री सिक्स सिक्स डेज होता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटर सोलस्टिक कब होता है ट्वेंटी टू दिसंबर को होता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए अलग अलग जो क्वेश्चन आया था और टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच